बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पुलाव की आज रेसिपी है। आज हम चिकन पुलाव बनाएंगे। इसमें हम इन चीज़ों की ज़रूरत होंगी। यह हाफ के जी चिकन है। हाफ के जी में हमें 400 ग्राम राइस लेना है। कभी भी चिकन हो या मटन हो, पुलाव बिरयानी जिसमें भी होंगी तो राइस कम होगा और ये ज़्यादा होगा। ये 4 प्याज है, अनियन इस तरह हमने कट किया है। फिर 2 टमाटो है, 1 बॉल ऑयल है। आप चाहे तो हाफ़ तेल और हाफ़ घी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है पेस्ट, 200 ग्राम कर्ड दही है, ये 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 हरी मिर्च 8 से 10 है और हरा धनिया है किसी भी, 1 लेमन जूस, ये 1 गाजर है जिसके छोटे छोटे पीस हमने कट किए हुए। आप चाहे तो ऑप्शनल में है ये डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप मत डालिए। कुछ पुदीने की पत्तियां हैं और ये भी ऑप्शनल में है। मटर है 1 बॉल और इसमें है 5 से 6 तेज़ पत्ते, ज़ीरा, काली मिर्च, सौंफ, दालचीनी, 1 पीस इलायची। इसमें शाजीरा होगा आपके पास तो वो भी लीजिए, इससे ज़्यादा टेस्ट आता है, और बड़ी इलायची जो इसमें नहीं है आप ले सकते हैं। यह इसमें हम ऑयल डालेंगे। हम इसमें जो गरम मसाला खड़ा रखे थे वो डालेंगे, साबित गरम मसाला। ये थोड़ा सा पकने के बाद हम इसमें अनियन डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम हल्का ब्राउन करेंगे, एकदम ब्राउन नहीं, हल्का ब्राउन करेंगे। इस तरह हल्की ब्राउन प्याज होना मतलब हो जाने के बाद हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मिक्स कर देंगे। और इसे अच्छी तरह 5 मिनट तक भूनेंगे। हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, जितना आपको आपका टेस्ट हो उस हिसाब से डालिए, लेकिन उसमें से जैसा आधा आप डालेंगे और आधा राइस डालने के बाद, हाफ राइस डालने के बाद और अभी हाफ, और इसे अच्छी तरह भूनने के बाद देखिए अब और ब्राउन हो गया है, इसलिए हमें ज़्यादा ब्राउन पहले नहीं करना था। अब इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे। इसे हम ढक कर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए टमाटर अच्छी तरह पक गए हैं। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। अभी जो हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट डाल देंगे और फिर ये गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर,
और इसके साथ टमाटर, इसे हमने अच्छी तरह 10 मिनट तक भून कर लिया है। कच्चे मसाले की वो नहीं आना हमें, चिकन हो या मटन हो जो भी हो इसके भुनना ज़रूरी होता है, नहीं तो कच्चे मसाले की वो आ जाती है। अब हम इसमें दही डालेंगे, ये गाजर जो कट किए थे हमने उसे डालेंगे, और ये लेमन जूस, और ये पुदीने की पत्तियाँ, इसे भी हमें 5 मिनट तक भून कर लेना है दही डालने के बाद भी। ये हमारा अब अच्छी तरह भूनकर हो गया है। अब हमें इसमें जितना राइस लिया है उसका ट्रिपल डालना है। जैसे 1 कप आपने राइस लिया है, 400 ग्राम राइस लिया है, तो 1 लीटर पानी डालना है। 1 किलो लिया है तो 3 लीटर पानी डालना है। अब हम इसमें नमक किस जायका जैसा आपका टेस्ट हो वो डालिए, और मैंने पहले भी डाला था मसाले में उस हिसाब से, अभी हाफ पहले और हाफ अभी। अब इसे बॉईल आने के बाद आप चावल मिक्स करना है। अब हम इसमें राइस जो भिगो कर रखे थे वो मिक्स करेंगे। ये चावल का पानी अच्छी तरह सूख गया है। अब हम इसे ढक कर 10 मिनट तक स्लो स्टोव पर रखेंगे। भाप नहीं जाना चाहिए इसमें। ये हमारा चिकन पुलाव रेडी हो गया है। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।